हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन। तो आज हम डिसोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। डिसोल्यूशन सबसे पहले तो होता क्या है? डिसोल्यूशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को रिलीज़ करते हैं कोई भी सॉलिड डोजेस फॉर्म से, दैट इज़ अ ग्रैन्यूल्स के थ्रू या टैबलेट के थ्रू या कैप्सूल के थ्रू। हम क्या करते हैं, अपने सॉलिड डोजेस फॉर्म को रिलीज़ करते हैं इमिडिएटली। कहाँ पे रिलीज़ करते हैं? कोई भी मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन के अंदर रिलीज़ करते हैं। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन करते हैं। मतलब हमने क्या करना है, अपने सॉलिड डोजेस फॉर्म को रिलीज़ करना है कहाँ से, ग्रैन्यूल से, टैबलेट से या कैप्सूल से, इमिडिएटली इनटू दी मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन में। इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए हमने क्या आपको दिखाया है, इधर एक सॉलिड डोजेस फॉर्म दिखाई, तो उसका पहले डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, एग्रीगेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब उसका ब्रेकडाउन हुआ। तो सबसे पहले ड्रग हमारी ब्रेकडाउन हुई, फिर क्या हुआ, जो भी वो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हो गई, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होने के बाद डिसोल्यूशन हुआ। डिसोल्यूशन मतलब जो रेट डिटरमिनेशन स्टेप्स होता है लिपोफिलिक ड्रग के लिए। तो डिसोल्यूशन में भी हम अब डिसोल्यूशन के बाद ड्रग हमारी सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई, एट द एब्जॉर्प्शन साइट, जहाँ पे ड्रग को एब्जॉर्ब होना है वहाँ पे ड्रग हमारी सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई। आफ्टर दैट हमारा क्या होता है, परमिएशन होता है, उसका मेम्ब्रेन के अक्रॉस परमिएशन होता है। परमिएशन होगा उसका मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो हमारी ड्रग जो होगी वो बॉडी के अंदर पहुँच जाएगी, जहाँ पर उसको वर्क करना है, जहाँ पर काम करना है, वहाँ पर एक्टिव साइट पर ड्रग हमारी पहुँच जाएगी। सॉलिड डोजेस फॉर्म थी, डिसइंटीग्रेशन हुआ, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स पर कन्वर्ट हो गई, देन उसका डिसोल्यूशन हुआ, तो ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में आई एब्जॉर्प्शन साइट पे। आफ्टर दैट उसका परमिशन हुआ मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आ गई। नेक्स्ट देखते हैं डिसइंटीग्रेशन हमारा, अगर देखा जाए डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन क्या होता है, इज़ अ RDF फॉर अ हाइड्रोफोबिक। अगर हमारा एक RDS हाइड्रोफोबिक के लिए एज RDS होती है, पुअरली एक्को सॉल्युबल ड्रग जैसे कि ग्रिसोफुलविंस होते हैं या स्पेनोलैक्टोन्स होते हैं, उनका जो उनका एब्जॉर्प्शन और इन सब ड्रग्स का क्या होता है, उसको ही हम डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड बोलते हैं। मतलब हमारा डिसोल्यूशन होता है, हमारा ये क्या होता है, रेट डिटरमिनेशन स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स के लिए, एक्को सॉल्युबल ड्रग्स के लिए जैसे ग्लिसोफुलविन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा इन ड्रग्स का, उसको ही हम क्या कहते हैं, है डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक है, तो विद अ हाई एक्वा सॉल्युबिलिटी, इनकी एक्वा सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है, वो हाइड्रोफिलिक ड्रग है, जैसे कि क्रिमोलाइल सोडियम्स हो गया, नियोमाइसिंस हो गए, तो उनका एब्जॉर्प्शन भी बहुत तेज़ होगा, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है इन द एब्जॉर्प्शन में उसका, इन सब ड्रग्स का, वो क्या होगा, इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन। जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, जो भी एब्जॉर्प्शन का इन ड्रग्स का, वो क्या होता है, दैट इज़ अ रेट ऑफ फॉर्मेशन थ्रू दी बायो मेम्ब्रेन के थ्रू। या हम ये कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको समझाया जाए, तो ये कह सकते हो आप कि जो एब्जॉर्प्शन होता है इन ड्रग्स का, उसको हम उन्हीं ड्रग्स का, मतलब जो भी हमारी ड्रग्स थी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जिसका एक्वासॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उन ड्रग्स का हम एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं कि परमिशन रेट लिमिटेड और ट्रांस मेम्ब्रेन रेट लिमिटेड, उनका एब्जॉर्प्शन को हम ये बोल सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम एब्जॉर्बिलिटी डोज, जैसे MAD बोलते हैं, वो आजकल यूज़ किया जाता है, जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं अपनी ड्रग एब्जॉर्प्शन को विद द सॉल्युबिलिटी। तो उसके लिए इक्वेशन क्या दी गई है, MAD इज इक्वल टू KA SGI VGI TR, ये हमारी इक्वेशन दी है। तो KA देखिए इसमें क्या है, इंट्रेंसिक एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट है, SGI सॉल्युबिलिटी है तुम्हारी GI फ्लूड में, VGI हमारा क्या है, वॉल्यूम है GI फ्लूड का, और T आपका जो TR है, दैट इज़ अ रेसिडेंस ऑफ ड्रग इन GI, जो भी रेसिडेंस टाइम है GI ड्रग का, वो टी हमारा TI है हमारा। अब देख लीजिए आगे बात करते हैं, हमने डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया कि देखिए टैबलेट थी या जो कैप्सूल था, हमने क्या दिखाया उसका, पहले देखिए जो डिसइंटीग्रेशन हुआ तो जो वो ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो गई, एग्रीगेशन उनका हुआ, या तो डिसोल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई, डिसोल्यूशन हुआ मेजरली माइनरली तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही आएगी। तो जो ग्रैन्यूल्स एग्रीगेशन हुआ वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, वो फाइन पार्टिकल्स क्या हुए, वो डिसोल्यूशनली करके सॉल्यूशन फॉर्म में आ गए। फिर क्या हुआ, यही जो ड्रग इन सॉल्यूशन में था, आइदर इन वीवो आइदर इन विट्रो, वो क्या हुआ, उनका एब्जॉर्प्शन हुआ इन वीवो, और वो ब्लड में हमारी ड्रग अवेलेबल हो गई, या अदर कोई भी फ्लूइड टिश्यूज थे वहाँ पर ड्रग हमारी अवेलेबल हो गई। ये हमने आपको दिखा दिया, एक जनरल आउटलुक है फॉर अ ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए, ड्रग का कैसे कैसे हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं, मेजरली किस वे से हो रहा है, माइनरली किस वे से हो रहा है। अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन रेट की, डिसोल्यूशन रेट क्या होता है, डिसोल्यूशन को हम क्या करते हैं, रेट
प्रोसेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो मान लीजिए जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा, हम ये कह सकते हैं। डिसोल्यूशन रेट को डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ऐसा अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस दैट गोज टू द सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम कितना हमारा ड्रग सब्सटेंस जो हो रहा है वो सॉल्यूशन के अंदर मूव आउट कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं गोज आउट हो रहा है सॉल्यूशन फॉर्म में। कंडीशन हमें ये रखनी है कि जो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस्ड होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, सॉल्वेंट कंपोजिशन पीएच वो ऑप्टिमम एक जो पर्टिकुलर दिया गया है वही होना चाहिए। ये डिसोल्यूशन रेट की बात की गई है। तो डिसोल्यूशन की रेट के लिए हमने एक नोवे विटने इक्वेशन दी गई है। तो नोवे विटने इक्वेशन क्या होती है, इस इक्वेशन का हम यूज़ करके रेट ऑफ डिसोल्यूशन निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नोवे विटने इक्वेशन जो हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट है, दैट रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, दैट इज़ डी सी बाई डी टी इज़ गिवन बाय डी सी बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एस सी एस माइनस सी। तो डी सी बाई डी टी हमारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, हमारा के क्या है डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट, एस हमारा सरफेस एरिया है पार्टिकल्स का, सी एस हमारा इक्विबिलियम सॉल्युबिलिटी है ड्रग की, सी कंसंट्रेशन ऑफ आर ड्रग इन बल्क ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्म में इनका ये है। जो सी एस माइनस सी हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हम बोल सकते हैं वो होता है। तो ये नोवे विटने इक्वेशन है आपकी, जो हमारा क्या करती है रेट ऑफ डिसोल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। आगे हम बात करते हैं डिसोल्यूशन या ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो देखिए अगर डिसोल्यूशन में ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात की गई है, तो जो डिसोल्यूशन होता है उसका अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया एस्प्रिन का, एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन हम दिखा रहे हैं तीन डिफरेंट डोज फॉर्म में। पहला हमने एब्जॉर्प्शन दिखाया एस्प्रिन का सॉल्यूशन में, दूसरा एस्प्रिन टैबलेट में विद अल्कलाइन एडिटिव्स, तीसरा एस्प्रिन की टैबलेट। हमने तीन डोज फॉर्म लिया एस्प्रिन का, पहला सॉल्यूशन लिया उसका, दूसरा एस्प्रिन की टैबलेट ली विद अल्कलाइन इन एडिटिव्स के साथ, तीसरा एस्प्रिन की खाली टैबलेट ली। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा एस्प्रिन का सॉल्यूशन में वो सबसे तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू जो एस्प्रिन टैबलेट है उसके कम्पेरेटिव जो सॉल्यूशन का होता है वो ज़्यादा होता है। इससे ये हमको पता चलता है कि जो डिसोल्यूशन होता है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा होता है कम्पेरेटिव टू द टैबलेट। सही बात है, तुमको पता ही चल रहा है इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्प्रिन। हम ये जान सकते हैं कि जो डिसोल्यूशन होता है इज़ रेडली अवेलेबल इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। देखिए थर्ड केस में हमने ये बताया था कि इम्पॉर्टेंट अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं हम। थर्ड में देखिए हम सही ये बता रहे हैं ना कि अगर हमने सॉल्युबिलिटी इम्प्रूव बढ़ा दी तो क्या हुआ, पीएच भी बढ़ गया। हम इस अल्कलाइन एडिटिव्स जो एस्प्रिन टैबलेट विद अल्कलाइन एडिटिव्स में ये देख रहे थे ना कि हमने देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए तो उसको अल्कलाइन किया था, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाई तो पीएच भी बढ़ गया, मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया। तो अल्कलाइन हमने क्यों बनाया उसका कि एब्जॉर्प्शन बढ़ा दे, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो उसका ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होगा। तो जैसे देखिए हमने आपको एक ग्राफ के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि द परसेंटेज एब्जॉर्प्शन द टाइम दिखाया। तो पहला वाला केस था जिसमें सॉल्यूशन था, तो ये सॉल्यूशन का हमने दिखाया आपको एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। दूसरा वाला जो है वो हमारा टैबलेट विद अल्कलाइन एडिटिव्स वाला दिखाया, तीसरा एस्पिरिन की टैबलेट दिखाई हमने। तो इनका एब्जॉर्प्शन पैटर्न ये दिखाया गया है। इस फॉर्म में हमने आपको दिखा दिया कि डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन का कैसे कोरिलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग डिसोल्यूशन। ड्रग के डिसोल्यूशन की बात की जाए तो ड्रग के डिसोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए क्या है, जैसे हम जानते हैं नोवे विटने इक्वेशन के बारे में, तो ये क्या कहती है डी सी बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एस सी एस माइनस सी, ये कहती है हमारी इक्वेशन। लेकिन अगर मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी सॉलिड को अगर हमने मीडियम के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा फ्लूड का वो इमिडिएटली एडजस्टेड टू इट्स सॉलिड सरफेस। मतलब आपने मान लीजिए, सपोज़ आपने मान लीजिए ऐसा किया कि एक कोई भी हमने सॉलिड को इंट्रोड्यूस किया मीडिया के अंदर, तो जो वॉल्यूम होगा फ्लूड का वो इमिडिएटली क्या होगा, बढ़ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सरफेस हो गया वो सैचुरेट हो गया, ड्रग के साथ सैचुरेट हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक फिल्म तैयार हो जाती है सॉल्यूशन के ऊपर, क्या होता है सॉलिड सरफेस की एक फिल्म तैयार हो जाती है, एक स्टेशनरी फिल्म हमारी सॉल्यूशन के ऊपर तैयार हो जाती है सॉलिड सरफेस की। तो इस फिल्म को ही हम डिफ्यूज़न लेयर बोलते हैं। तो अब जो कंसंट्रेशन होता है इन दिस लेयर, जो इस लेयर पे जो भी कंसंट्रेशन होगा वो हमारा सी एस के इक्वल्स होगा, इक्वल टू टू सी एस, सी एस के बराबर होगा। और जो थिकनेस होती है लेयर की वो एच मान लीजिए हमने कह दी, तब हमारा जो रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन रेट होगा दैट इज़ गिवन बाई के इज इक्वल टू डी बाई एच, डी बाई एच। हम देखिए के क्या है, वही हमारा डिसोल्यूशन रेट है हमारा, और डी हमारा जो भी डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है ड्रग का सॉल्यूशन फॉर्म में, और एच हमारा थिकनेस हमने जो बताई है।
अब हम क्या करेंगे, यही जो के की वैल्यू है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन जो नोवे वेटने वाली थी उसमें पुट कर देंगे। तो देखिए हमने नोवे वेटने में पुट कर दी, तो ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है थर्ड इक्वेशन से कि जो सी एस माइनस सी है वो वेरिएबल है ना, सही बात है। और बाकी जितने टर्म्स हैं वो कांस्टेंट है, जैसे सी बाई डी टी कॉन्स्टेंट, डी कॉन्स्टेंट, एस कॉन्स्टेंट, एच कॉन्स्टेंट, ये सब कॉन्स्टेंट है। तो सी एस माइनस सी है वो हमारा वेरिएबल है, वो चेंज होता रहेगा, ये हम बता कर। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो थर्ड इक्वेशन हमारी ये जो फॉर्म हो रही है ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिसोल्यूशन को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर डिसोल्यूशन को फॉलो करती है, ये हमने बता दिया। मतलब थर्ड इक्वेशन हमारी जो है फर्स्ट ऑर्डर डिसोल्यूशन काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। अगर आप सपोज़ मान लीजिए अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक प्लॉट बनाते हैं, हमने क्या किया कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक प्लॉट बनाया, तो एक कर्व लाइन प्लॉट हमें मिलेगा। अगर हम क्या करें कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में प्लॉट बनाएंगे तो कर्वी लीनियर प्लॉट हमें ऑब्टेंड होगा। अब हम क्या करें, सही तो फर्स्ट केस था हमने जो बताया आपको कि कंसंट्रेशन टाइम के बीच में प्लॉट बनाएंगे तो कर्वी लीनियर प्लॉट मिलेगा। दूसरा केस हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लॉग कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेंड होगी। अब इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप जो होगा वो हमारा डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू। ये जो प्लॉट हमने बनाया हुआ लॉग वाला वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डिसोल्यूशन को एक किस फॉर्म में, नॉन सिंक कंडीशन फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंट करता है डिसोल्यूशन को। जो लॉग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो प्लॉट बनाया वो क्या करेगा हमारे डिसोल्यूशन को नॉन सिंक कंडीशन में दिखाएगा। तीसरा केस हमारा ये कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्लॉट बना रहे हैं लॉग परसेंट अनडिजॉल्व, कितना हमारा लॉग परसेंट ड्रग अनडिजॉल्व हुई वर्सेस टाइम के बीच में। तो उसमें क्या होता है एक हमें, तो इस केस में देखिए कितना परसेंट अनडिजॉल्व हुई ड्रग और टाइम के बीच में बना रहे हैं, तो जो अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन बढ़ता जा रहा है प्रोसीड होता जा रहा है तो अमाउंट ऑफ ड्रग जो होगा वो रिमेन अनडिजॉल्व, सही बात है, जितना अमाउंट ऑफ ड्रग बचा वो अनडिजॉल्व वो घटेगा ही ना। अब आपका मान लीजिए डिसोल्यूशन होता जा रहा है तो जितना अनडिजॉल्व अमाउंट था ड्रग का वो कम होता चला जाएगा, डिक्रीज भी हो जाएगा ग्रेजुअली, ये तो जनरल बात है। तो इसलिए क्या होगा, एक हमें निगेटिव स्लोप मिलेगा तो उससे हम रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट निकालना है तो हम स्लोप के थ्रू निकालेंगे। स्लोप हमें ये कहेगा स्लोप इनटू 2.303 के थ्रू हम क्या करेंगे अपना रेट कांस्टेंट को निकालेंगे। तो देखिए तीनों कंडीशन के हमने ग्राफ आपको दिखा दिए। पहली कंडीशन क्या थी, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम जितना डिसॉल्व कंसंट्रेशन डिसॉल्व और टाइम के बीच में प्लॉट बनाया था तो हमने बताया था कर्वी लीनियर प्लॉट मिलेगा, तो ये कर्वी लीनियर प्लॉट दिखा दिया। दूसरा केस ये था कि लॉग कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में प्लॉट बताया तो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो हमने आपको दिखा दी, जिसके थ्रू हम स्लोप के थ्रू डिसोल्यूशन रेट निकाल सकते हैं कांस्टेंट। तीसरी कंडीशन ये थी कि हमने लॉग परसेंट अनडिसॉल्व वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट बनाया तो एक हमें निगेटिव स्लोप मिलेगा, एक हमें क्या होगा निगेटिव स्लोप ऑब्टेंड होगा, जिसके हम स्लोप के निगेटिव स्लोप मिलेगा उस स्लोप के थ्रू हम क्या करेंगे रेट डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट को निकाल लेंगे। ये हमने जनरल बताया। अब हम क्या कह रहे हैं, अब ये तो एक हमने आउटलाइन बताया, अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस सी हमारा निग्लेजिबल, अगर आप सपोज मान लीजिए जो सी था जो डिसोल्यूशन में हमने नोवे वेटने के थ्रू सी माइनस सी एस माइनस सी था, तो उसमें जो सी था अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन प्रोसेस में जो सी था अगर मान लीजिए निग्लेजिबल है, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू सी एस एस के, सी एस के फॉर्म में बहुत ही निग्लेजिबल है, तो और जो वॉल्यूम है डिसोल्यूशन मीडियम का वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसी कंडीशन हो गई ना सिंक कंडीशन हो गई। तो उस कंडीशन में जो थर्ड इक्वेशन आपकी थी वो क्या हो जाएगी, उस इक्वेशन में मतलब हमने क्या किया सी एस माइनस सी था तो हमने सी को ज़ीरो कर दिया, तो देखिए खाली सी एस बचा, तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन एच और यहाँ पे सी एस बचा। ये हमने क्या किया थर्ड इक्वेशन में वो सी एस माइनस सी की जगह पे ज़ीरो करके हमने ये इक्वेशन बना दी, ये फोर्थ इक्वेशन हमारी तैयार हो गई अगर हमारा सी जो था वो निग्लेजिबल था। अब हम क्या करेंगे, जो फोर्थ इक्वेशन थी उस वो जो फोर्थ इक्वेशन थी उसमें देखिए आपका वही डी था, एस था, एच था, सी एस था, ये सब कांस्टेंट हैं, सही बात है, जितने भी वैल्यूज़ हैं हमारे सब के सब कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये ओवरऑल हमारी इक्वेशन ये बता रही है ये क्या कर रही है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो अप कर रही है। ये जो ओवरऑल कंडीशन है हमारी वो क्या कर रही है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, ऐसी कंडीशन अंडर द रेट, मतलब हम ये कह सकते हैं ना रेट सिंक कंडीशन है, सिंक कंडीशन में हमारा ज़ीरो ऑर्डर फॉलो कर रही है। तो ज़ीरो ऑर्डर फॉलो अगर हम क्या ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक हमें लीनियर प्लॉट मिलता है कंसंट्रेशन डिसॉल्व और टाइम के बीच में, एक हमें लीनियर प्लॉट मिलता है,
ये हम बता रहे हैं। ये तो डिसोल्यूशन के बारे में बात होगी, जनरल आउटलुक था आपका। डिसोल्यूशन में हमने आज क्या क्या पढ़ा, डिसोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी हमने, डिसोल्यूशन होता क्या है उसका हमने पूरा एक सिस्टमेटिकली वे आपको दिखाया कैसे कैसे डिसोल्यूशन होता है ड्रग्स का, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू एक आउटलाइन बताया, डिसोल्यूशन का रेट बताया आपको, डिसोल्यूशन रेट होता क्या है, नोवावेटने इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया हमने आज, फिर हमने बताया डिसोल्यूशन और ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या क्या रिलेशनशिप है वो बताया, देन हमने ड्रग डिसोल्यूशन का पूरा आपको डेरिवेशन बताया कि कैसे कैसे ड्रग डिसोल्यूशन नोवावेटने इक्वेशन में कौन कौन से प्लॉट बनाए जाते हैं, कैसे क्या होता है वो बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपके लिए कीप लर्निंग कीप लिसनिंग।